दोस्तों सुपर हीरो कोई भी हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को शुरू से ही डोरेमोन की तरह ही दोस्त चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी अपने इस फेवरेट कार्टून को देखने का शौक नहीं छोड़ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्टून जगत पर राज करने वाले टीवी शो डोरेमोन के बारे में, जिसका क्रेज आज के समय में इतना बढ़ चुका है कि इस जैपनीज कार्टून को पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में डब करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और इस कार्टून सीरीज में दिखाए जाने वाले नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती, साथ ही उनसे जुड़े हुए एडवेंचर्स बच्चों को खूब भाते हैं। और दोस्तों यह कार्टून सीरीज जो है बेसिकली एक जापानीज कॉमिक सीरीज पर आधारित है, जिसे कि हीरोशी फुजीमोटो और मोटो एबिको नाम के दो आर्टिस्ट ने लिखा और बनाया है। और एक साथ काफी सालों तक काम करने के बाद से दोनों लोगों को फ्यूजिको एफ फुजियो नाम से भी जाना जाता है। और इस सीरीज की कहानी एक फ्यूचर से आई हुई बिल्ली और नोबिता नाम के लड़के के आसपास घूमती है, जिसमें नोबिता एक बहुत ही आम लड़का रहता है जो ना तो किसी खेल में और ना ही पढ़ाई में अच्छा होता है। और इसीलिए फ्यूचर से नोबिता के वंशज उसकी हेल्प करने के लिए एक रोबोट कैट भेजते हैं और इसी का नाम होता है डोरेमोन। और फिर डोरेमोन अपनी फोर डायमेंशनल पॉकेट से अलग अलग तरह के भविष्य की टेक्नोलॉजी को निकालता है, जिसे कि इस सीरीज में गैजेट्स का नाम दिया गया है। और यह गैजेट्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोबिता की हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी इस सीरीज में कुछ और भी इंटरेस्टिंग किरदार हैं, जैसे कि सिजुका जो कि नोबिता की सबसे अच्छी दोस्त है और सिजुका से नोबिता प्यार भी करता है। साथ ही इस कार्टून सीरीज में जियान और सुनियो नाम के किरदार भी हैं, जो कि नोबिता को परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन मुसीबत अगर ज्यादा आ जाए तो वे भी नोबिता की हेल्प करने के लिए आ ही जाते हैं। और दोस्तों डोरेमोन की ओरिजिनल कॉमिक सीरीज 15 दिसंबर 1969 से 23 जून 1996 तक पब्लिश की गई, जिसमें कि इसके कुल 1345 कहानियां बनाए गए। और शुरुआती दौर में ही लोगों ने इस कॉमिक सीरीज को इतना ज्यादा पसंद किया कि इसे 1 अप्रैल 1973 से एनिमेशन के तौर पर भी लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। हालांकि अभी तक डोरेमोन के 3 एनिमेशन सीरीज बनाए जा चुके हैं, जिसमें पहला सीरीज 1 अप्रैल 1973 से 30 सितंबर 1973 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। हालांकि इस सीरीज में नोबिता और डोरेमोन के किरदार वैसे नहीं थे जैसे कॉमिक्स में, और इसीलिए इस सीरीज को महज 5 महीनों के अंदर ही बंद कर दिया गया। और आज के समय में इस सीरीज के एक भी एपिसोड की कॉपी किसी के पास नहीं है। हालांकि 2 अप्रैल 1979 से जो दूसरी सीरीज आई वह काफी सफल रही और इस सीरीज को 18 मार्च 2005 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। और यहीं से डोरेमोन ने जापान के अलावा भी बहुत सारे देशों में लोकप्रियता पाई। और फिलहाल जो डोरेमोन की सीरीज चल रही है वो है तीसरी, जो कि 15 अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी और इसमें अब तक कुल 530 से भी ज्यादा एपिसोड बनाए जा चुके हैं। और इसी सीरीज को आज के समय में दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रसारित किया जाता है। हालांकि भारत में कभी कभी इस सीरीज के साथ में इसके पहले वाले सीरीज को भी दिखाया जाता है। और दोस्तों डोरेमोन आज के समय की सबसे लोकप्रिय एनिमेशन सीरीज है और इसके लोकप्रियता के पीछे की मुख्य वजह है इसके कैरेक्टर्स और बच्चों को एंटरटेन करने के साथ साथ इसकी सीख देने वाली शानदार स्टोरी। हालांकि डोरेमोन सिर्फ एनिमेशन सीरीज के लिए ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर 38 से भी ज्यादा फिल्में बनाई जा चुकी हैं। साथ ही इसके ऊपर बनाए गए वीडियो गेम्स भी बहुत ही पॉपुलर हैं। और दोस्तों डोरेमोन कॉमिक सीरीज के 2015 तक 100 मिलियन कॉपीज बेची जा चुकी थी। साथ ही इसके एनिमेशन वाले सीरीज को 30 से भी ज्यादा देशों में दिखाया जा रहा है। और 2002 में टाइम एशिया मैगजीन ने डोरेमोन को एशियन हीरो के खिताब से भी नवाजा है। और इसके अलावा भी इस सीरीज को सैकड़ों इनाम मिल चुके हैं और अब जापान के लोग डोरेमोन को अपना कल्चर आइकॉन मानते हैं। और दोस्तों इस एनिमेशन सीरीज को शुरू हुए कई दशक हो चुके हैं, लेकिन लोगों में इसका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि डोरेमोन कार्टून से संबंधित यह जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।